अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर तौफीक के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। 10th क्लास बायोलॉजी के आज हम लोग थर्ड लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है मेन वो है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। हम गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे हैं जिसका एक पार्ट द एयर पैसेजवे ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हम लोग इससे आगे द लंग्स को आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और हम लोग का जो आज मेन टॉपिक है वो लंग से हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बुक के ऊपर ये आपको प्रॉपरली एक छोटा सा टॉपिक है जो कि शॉर्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में पूछा जाता है। इसके अलावा ये लॉन्ग कैटेगरी में भी आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है जो कि 4 मार्क्स का लॉन्ग बन सकता है के राइट अ नोट ऑन लंग्स, लंग्स पे नोट लिखें। तो लंग्स का ये जो टॉपिक है इसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स बनेंगी जो आप इन टॉपिक्स के अंदर आज वन बाय वन देखते भी जाएंगे और यही आपकी मेन हेडिंग्स बनती जाएंगी। अब हमारे पास ये जो लंग्स का टॉपिक है ये आपको आपके पेज पर कंप्लीट जो हमारा जो लास्ट लेक्चर था द एयर पैसेजवे उससे नीचे ये आपको मिल जाएगा द लंग्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लंग्स को समझेंगे कि लंग्स है क्या। लंग्स जो है इसे हम लंग्स जो है ये क्या होते हैं। हमारे लंग्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रेकिया है ये डिवाइड होता है दो ट्यूब्स के अंदर जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई जब फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होता है तो हम इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो है ये फाइनली एक पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर पर एंड होता है जिसका नाम है एल्वियोलाई। अब तमाम एल्वियोलाई जब इकट्ठे होते हैं तो एक लंग्स को बना देते हैं। ठीक है, तो हम लंग्स की डेफिनेशन क्या करेंगे। ऑल द एल्वियोलाई ऑन द वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग, एक लंग को प्रोड्यूस करेंगे। देयर आर अ पेयर ऑफ लंग्स इन आवर थोरेसिक कैविटी। ठीक है, जो हमारा सीने का जो हमारी बॉडी में सीने का पोर्शन है ये सारा थोरेसिक कैविटी कहलाता है मेडिकल टर्म में। तो इसके अंदर ये पेयर के फॉर्म में मौजूद है जैसे कि आप अपनी पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब लंग्स जो है ये जितने भी एल्वियोलाई है इनके मिलने से बनेगा। लेकिन इसकी प्रोटेक्शन होती कैसे है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने एक रिब केज बना दिया हुआ है। रिब केज ये आपकी नेक्स्ट एक हाइडिंग बन सकती है, प्रोटेक्शन की आप हाइडिंग बना सकते हैं या फिर इसमें आप रिब केज की हाइडिंग भी बना सकते हैं। अब ये जो रिब केज है ये एक्चुअली कुछ पेयर ऑफ रिब्स से बना होता है। ठीक है, इसमें 12 पेयर रिब्स की होती है। इसके अलावा इसके फ्रंट पर एक बोन होती है जिसे हम स्टर्नम बोन कहते हैं क्योंकि रिब्स जो है वो फ्रंट पे आके स्टर्नम बोन के साथ अटैच होते हैं जबकि बैक साइड पे ये हमारी जो बैक बोन है वर्टिकल कॉलम ये इसके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। इस तरह एक रिब केज तैयार होता है जिसके अंदर ये लंग्स बहुत ही हिफाजत के साथ पड़े हुए हैं। तो रिब केज का जो काम है वो इन लंग्स की प्रोटेक्शन करना होगा। इसके अलावा हमारे पास इन रिब्स के ऊपर जो मसल्स की लेयर होती है हम इसे इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स ये रिब्स के ऊपर मसल्स की लेयर है। अब इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर साइड पे होते हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहेंगे और एक इसके इनर साइड पे होंगे जिसे हम इनर इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देंगे। तो ये आपको रिब्स के ऊपर मसल्स मिल जाते हैं। ठीक है, और ये आपस में कंबाइन होकर फाइनली एक रिब केज के ऊपर मसल्स की लेयर बना देते हैं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे जो उसने साइड पर एक सर्कल के अंदर दिखाया हुआ है कि रिब्स के दरमियान में जो मसल्स की लेयर है इसका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। इसका ब्रीथिंग के अंदर एक अहम रोल होता है जो हम लोग आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो रिब केज क्या है। चेस्ट वॉल या रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है एंड रिब मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। अब इसके बाद हमारे पास जो लंग्स है इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हमने बेसिकली लंग्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल नेक्स्ट जो लाइंस हैं इसके अंदर ये स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा जिसे आप लंग्स का स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के हेडिंग में भी लिख सकते हैं। तो लंग स्ट्रक्चर क्या है। तो लंग स्ट्रक्चर दरअसल ये जो लंग्स हैं ये एक स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स का क्या मतलब होगा। यहाँ पर इनमें इलास्टिसिटी क्यों होती है क्योंकि ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इन्हें इलास्टिक ऑर्गन्स कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग लंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम लेफ्ट लंग बोलेंगे और एक को हम राइट लंग का नाम देंगे। अब जो लेफ्ट लंग होता है ये स्लाइटली थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड लंग
होगा, ये दरअसल छोटा होता है और इसके अंदर आपको दो लॉब्स मिलते हैं, ठीक है। एक को आप अपर लॉब कहेंगे और दूसरे को आप लोअर लॉब का नाम दे सकते हैं। तो ये लेफ्ट लंग है, इसके छोटे होने की दूसरी वजह यह है क्योंकि इसके अंदर हार्ट की भी एक कैविटी बनी होती है जिसके अंदर हार्ट भी अपनी वर्किंग कर रहा होता है। इसके अलावा जो राइट साइड वाला लंग होता है ये साइज में बड़ा होगा और इसके हम लोग थ्री लॉब देखते हैं। एक आपको अपर लॉब मिलता है, दूसरा मिडल लॉब मिलेगा और तीसरा आपको लोअर लॉब मिलता है। तो ये तीनों लॉब्स मिलकर राइट साइड पे जो लंग है इसे डेवलप करते हैं। तो राइट साइड वाले जो लंग है इसका एरिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये आपके पास लंग्स का एक स्ट्रक्चर है जो कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको किस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसके अलावा जो लंग्स हैं इसके अंदर आपको कुछ वेन्स भी मिल जाती हैं। अब ये जो वेन्स हैं ये कहाँ से आती हैं? ये वही वेन्स हैं जो कि हार्ट की तरफ से जो पल्मोनरी ट्रंक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जब लंग्स की तरफ जाता है ताकि वहां पर गैसेस को एक्सचेंज कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करवा सके और वहां से ऑक्सीजन को ले सके। और इसके बाद यही ब्लड जब दोबारा से हार्ट की तरफ लाया जाता है तो उन्हें हम पल्मोनरी वेन्स का नाम देते हैं। अब ये हार्ट में एंटर होने के बाद डिवाइड होती हैं आर्टरीज, फाइनली डिवाइड होते होते ये कैपिलरीज का नेटवर्क बना देती हैं एल्वियोलाई के इर्द गिर्द, ठीक है। अराउंड एल्वियोलाई दे विल मेक अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जबकि जब ये दोबारा से मिलती हैं तो फिर ये वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन्यूल्स फाइनली मिलकर पल्मोनरी वेन्स बना देती हैं जो कि दोबारा से ब्लड लेकर कहां आती है, हार्ट की तरफ। अब अपनी डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इसमें जो ब्लू कलर का पोर्शन दिखाया हुआ है, ठीक है, ये सारा पल्मोनरी आर्टरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हार्ट के अंदर से पल्मोनरी ट्रंक की डिवीजन से प्रोड्यूस हुई हैं। और इसी तरह जो आप रेड कलर की देख रहे हैं हम इन्हें पल्मोनरी वेन्स कहेंगे जो कैपिलरीज के दोबारा मिलने पर ये प्रोड्यूस हो रही हैं और फिर से ये मिलकर पल्मोनरी वेन्स बनाते हैं और फाइनली ये हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें लंग्स के अंदर जो है वो आर्टरीज और वेन्स का एक स्ट्रक्चर भी मिलता है। दीज आर दी ब्रांचेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसकी वर्डिंग बुक के अंदर किस तरह से लिखी हुई है, दी लंग आल्सो हैव ब्लड वेसल्स दैट आर ब्रांचेस ऑफ दी पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। ये भी सारा लंग्स के स्ट्रक्चर के अंदर आप लिखेंगे। अब इसके बाद लंग्स जो है इनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिन्हें हम प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। प्लूरल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन रिब्स के और लंग्स के दरमियान में मौजूद होती है जिनका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो क्या है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है कि किसी भी तरह की फ्रिक्शन इनके अंदर डेवलप ना हो, ठीक है। क्योंकि लंग्स का काम बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। अब ये रिब केज के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और यानी कि एक्सपेंड कर रहे होते हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं। बेसिकली जो लंग्स का फंक्शन है वो है कि ये एक्सपेंड करते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में एक फ्रिक्शन पैदा हो सकती है कि जब ये रिब केज के साथ टकराएंगे तो उसमें ये लंग्स डैमेज ना हो, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए फर्दर इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन बना दी हुई है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। ये प्लूरल मेम्ब्रेन एक आउटर साइड पे होती है और एक इनर साइड पे होती है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो डायग्राम आपके बुक में भी गिवन है। अब इसके अंदर आपको एक फ्लूइड भी नजर आ रहा होगा, हम इस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड का नाम देंगे। ये प्लूरल फ्लूइड बेसिकली लंग्स के दरमियान में होने वाली जो फ्रिक्शन है, ठीक है, यानी जो जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके दौरान जो फ्रिक्शन पैदा होगी ये इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा होता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होगा, ओके। तो ये हमारे पास लंग्स का एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक लॉन्ग कैटेगरी के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक है, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो इस चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ आपको एक बेल आइकन नजर आ रहा होगा, इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप ऑर्डर फॉर्म में देख सकते हैं। तो आइए हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को आप लॉन्ग और शॉर्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे और इसके अलावा इनमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ब्रीथिंग को समझते हैं कि ब्रीथिंग है क्या। ब्रीथिंग की डेफिनेशन जो हमने बायोलॉजी के इसमें पहले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी
वो सिंपल ये थी कि ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक एयर इन आवर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन एंड रिलीज द एयर फ्रॉम बॉडीज टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये ब्रीथिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम हवा को बॉडी में लेके जाते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन ले सकें, और इसके अलावा हम हवा को बॉडी से बाहर निकालते हैं ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर सकें। अब यही जो मूवमेंट्स होंगी यही ब्रीथिंग कहलाती हैं। तो यहाँ पर ब्रीथिंग की डेफिनेशन उसने थोड़ी सी चेंज कर दी है। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, तो वो फिजिकल मूवमेंट जो हमारे लंग्स कर रहे हैं ताकि वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकें, उस फिजिकल मूवमेंट का नाम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है इसकी डेफिनेशन है। अब इसके अलावा हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और वो दो पार्ट्स कौन से हैं? इसमें एक पोर्शन जिसे हम इनहेलेशन कहेंगे, और इसके अलावा इसमें दूसरा जो पार्ट है वो एक्सहेलेशन कहलाता है। ये दोनों ही स्टेप कंप्लीट होंगे तो एक ब्रेथ कंप्लीट होती है, यानी सांस लेने का अमल जो है वो कंप्लीट होगा। तो इसमें हमने अब वन बाय वन इन्हीं चीजों को डिस्कस करना है कि इनहेलेशन क्या होगी और एक्सहेलेशन क्या होगी। इनहेलेशन ये आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ की फॉर्म में मिल जाएगा बुक के ऊपर, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के नीचे आपको ये लाइंस लिखी हुई नजर आ रही होंगी। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होंगे ये हम स्टेप्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं कि जो इनहेलेशन है ये क्या है। इनहेलेशन वैसे तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर एयर जो है वो हम अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम एयर को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। अब इसमें जो चेंजेस आएंगी वो क्या आएंगी? तो इसमें चेंजेस ये आती हैं कि जब आप सांस लेते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, जो रिब मसल्स हैं, रिब मसल्स यानी इंटरकोस्टल मसल्स की जो हमने अभी डिस्कशन की थी, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिब्स को अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, तो जब रिब मसल्स यानी इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दे विल रेज योर रिब्स, ये आपकी रिब्स को ऊपर उठा देंगे। इसके अलावा दूसरे फिनोमिना में हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जिसे हम डायाफ्राम भी कहेंगे। ये डायाफ्राम ये एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जो एब्डोमिनल कैविटी को, और इसके अलावा जी बेटा आपकी जो थोरेसिक कैविटी है इसे सेपरेट कर रही होती है। इसके अलावा इसका ब्रीथिंग के अंदर एक अहम रोल होता है। अब उस रोल के अंदर ये क्या होगा कि सबसे पहले जो आपका डायाफ्राम है ये डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने पर ये नीचे की तरफ आ जाता है अपनी पोजीशन से। अब जब ये अपनी पोजीशन से नीचे आता है तो इसकी वजह से जो अंदर लंग्स का एरिया है, कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, वो खाली यानी कि जो एरिया है वो बढ़ जाता है। ओके, मींस कि जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करके जब अपनी पोजीशन से ऊपर चलेंगे, इसी तरह डायफ्राम भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके जब वो भी अपनी पोजीशन से नीचे चला गया, तो इसी के साथ जो अंदर थोरेसिक कैविटी का एरिया है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। ओके, जब वो थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ेगा तो जो लंग्स के अंदर एयर मौजूद है डेफिनेटली उसका प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू दी प्रेशर ऑफ एयर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ बॉडी। बॉडी के बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है और बॉडी के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। अब दोनों तरफ उस एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए बाहर से हवा जो है वो बॉडी की तरफ मूव कर जाती है। इस वजह से हम इस प्रोसेस को इनहेलेशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बुक के अंदर जो वर्डिंग है वो वर्डिंग में क्या कहना चाह रहा है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। ठीक है, जिसने पहले पॉइंट में कहा कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिब्स को ऊपर ले जाएंगे अपनी पोजीशन से। दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि एट द सेम टाइम उसी वक्त डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लॉर्ड, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो भी अपनी पोजीशन से नीचे चला जाता है। ओके, जैसे जैसे अभी आपने अपनी डायग्राम में भी देखा कि किस तरह से जो कैविटी थी थोरेसिक कैविटी उसका एरिया बढ़ गया। अब ये जो मूवमेंट्स हैं दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी व्हिच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स। इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है वो घट जाता है और लंग्स के ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं और उनमें एयर का प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है और बाहर से हवा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मूव कर जाती है टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। तो एज अ रिजल्ट लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपकी बुक की वर्डिंग थी। अब इसके बाद
हमारा जो पॉइंट नेक्स्ट है वो है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन ये आपको बिल्कुल उसके नीचे हाइडिंग नजर आ रही होगी, इनहेलेशन के नीचे एक्सेलेशन की हाइडिंग है, इसे एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन कहेंगे। ये भी एक पूरा पैराग्राफ है जिसके अंदर ये पूरा फिनोमिना बताया गया है कि किस तरह से एयर जो है वो बॉडी से बाहर मूव करेगी। तो हम इसको समझेंगे उसी तरह स्टेप बाय स्टेप कि इसमें अब सबसे पहले क्या होगा कि जब हवा बॉडी के अंदर चली गई और एयर में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जब एक्सचेंज हो जाती है तो फिर रिब मसल्स फिर से रिलैक्स करेंगे। ठीक है, रिब मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स। रिलैक्स करने पर वो अपनी उसी पोजीशन में नीचे आ जाते हैं, यानी कि जो रिब मसल्स ऊपर उठे थे वो फिर से नीचे चले जाएंगे अपनी उसी पोजीशन की तरफ। दूसरी तरफ जो डायफ्राम है ये भी रिलैक्स करेगा और अपनी उसी तरह डोम शेप में वापस आ जाएगा, यानी ऊपर मूव करेगा और डोम शेप इस तरह से ये शेप जो आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर ये अपनी शेप में वापस आ जाता है। जब ये डायफ्राम भी ऊपर आ जाएगा और रिब्स के मसल रिलैक्स करके उसको अपनी पोजीशन में वापस ले लेंगे तो दोनों तरफ लंग्स के ऊपर एक प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि इसकी वजह से जो मूवमेंट्स हुई है, ठीक है, डायफ्राम की रिलैक्सेशन और इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है वो कम हो गया। इसके कम होने पर जो लंग्स के ऊपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से बाहर एयर का प्रेशर कम हो गया और लंग्स के अंदर जो एयर मौजूद है उसका प्रेशर हाई हो गया, तो डेफिनेटली ये लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ रिब मसल्स एंड डायफ्राम। ठीक है, क्योंकि डायफ्राम भी अपनी पोजीशन में वापस आ गया है, रिब्स भी अपनी पोजीशन में वापस आ गई है, जिसकी वजह से जो लंग्स के ऊपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया और मजबूरन क्या होगा कि लंग्स फाइनली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एयर प्रेशर के साथ बाहर निकल जाती है, तो एयर का बाहर निकलना ये एक्सेलेशन कहलाता है। तो हम इस फिनोमिना को एक्सेलेशन का नाम देंगे। ठीक है, तो इसकी जो वर्डिंग है, नंबर वन, द रिब मसल रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, कि भाई रिब मसल रिलैक्स करेंगे और इसे अपनी पोजीशन में वापस लेके जा रहे हैं। उसके बाद डायफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स एंड इट गेट्स इट्स रेज डोम शेप, ये अपनी दोबारा से डोम शेप में वापस जा रहा है। दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, और ये दोबारा से अपनी चेस्ट कैविटी यानी कि जो मूवमेंट्स है इसमें क्या हुआ कि जो चेस्ट कैविटी की स्पेस है वो रिड्यूस हो गई है एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, और लंग्स के ऊपर प्रेशर को बढ़ा देता है। The lungs contract and air is expelled out of them. और इस तरह से जो लंग्स हैं उसमें मौजूद एयर बाहर निकल जाती है क्योंकि एयर्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास एक बड़ा सा पैराग्राफ है, आप इसकी हाइडिंग जो दे सकते हैं वो है रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग रेट, क्योंकि हम लोग जब डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट एक नहीं होता, इट विल चेंज, ये चेंज होता रहता है। तो वो जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से चेंज होगा। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 टू 20 टाइम्स पर मिनट होता है, यानी जब हम लोग कोई रेस्ट पोजीशन में होते हैं, ठीक है, कोई इसमें वर्किंग नहीं कर रहे तो हमारा ये जो ब्रीथिंग रेट है ये नॉर्मली जो है वो 16 टू 20 टाइम्स इन मिनट होगा, तो हम इसे ब्रीथिंग रेट कहेंगे। ब्रीथिंग रेट का मतलब ये है कि हम एक मिनट में कितनी दफा सांस लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली इन पोजीशन जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें तो जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तो इसमें हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 टू 20 टाइम्स इन अ मिनट होगा। लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सरसाइज के साथ हमारा ब्रीथिंग रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारा ये जो ब्रीथिंग रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन ब्लड। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ेगा तो आपका ब्रीथिंग रेट भी बढ़ेगा, और अगर वो कम हो गया तो आपका ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो जाएगा। तो जब आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जैसे अगर आप रनिंग शुरू कर देते हैं तो रनिंग में क्या होगा कि आपकी जो लेग्स के मसल्स हैं अब वो बहुत ज्यादा वर्किंग करना शुरू हो गए हैं, और डेफिनेटली उन्हें वर्किंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए दे मस्ट डू सेलुलर रेस्पिरेशन इन देयर मसल्स, ये अपने मसल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे। इन द रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी जो है वो मसल्स यूटिलाइज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको ब्लड में एड करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल आपके ब्लड में भरेगा
तो आपके ब्लड में CO2 गैस के लेवल को भरने की वजह से आपके फौरी ब्रेन के एक सेंटर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिसे आप रेस्पिरेटरी सेंटर का नाम देते हैं। तो ये फौरी तौर पर ब्रेन को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ रहा है। ओके, तो इसमें बुक की वर्डिंग किस तरह से वो इस चीज को समझा रही है, ये भी मैं साथ साथ बताता चलो कि व्हेन वी डू एक्सरसाइज एंड सम हार्ड जॉब इन आवर मसल्स, सेल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट अ ग्रेटर रेट, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द मोर कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच रिलीज इन द ब्लड। कि भी जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे और इसके साथ जब आपकी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ेगा, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ज्यादा होगी और ब्लड में ज्यादा रिलीज होगी। This greater than the normal concentration of carbon dioxide stimulates the respiratory center of brain. ये brain के respiratory center को stimulate कर देगा, ठीक है? अब ये जो brain का respiratory center है, ये फौरी तौर पर आपके ribs, lungs और heart को inform करेगा कि वो अपनी relaxation और contraction जो है उसको बढ़ा दे, ठीक है? इसकी वजह से रिब्स के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इजाफा हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जब ये भी भर जाएगी तो डेफिनेटली आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वर्डिंग बुक के अंदर इस तरह से लिखी हुई है, द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड्स मैसेजेस टू द रिब मसल्स एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग, सो द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी। तो ये आपकी बुक की वर्डिंग है सारी, ठीक है? तो क्या होगा कि ये आपकी बॉडी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो डेफिनेटली ये जो मूवमेंट्स होंगी, लंग्स की मूवमेंट बढ़ा दी गई है, इसमें डायफ्राम की मूवमेंट बढ़ा दी गई है, रिब्स की मूवमेंट बढ़ा दी गई है, ताकि एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाए और आपका इस वक्त जो ब्रीथिंग रेट है वो 30-40 की रेंज में चला जाता है, ठीक है? तो ड्यूरिंग अ हार्ड एक्सरसाइज योर ब्रीथिंग रेट विल बिकम 30-40 टाइम्स इन अ मिनट। अब ये तब तक नॉर्मल नहीं होगा जब तक कि आप उसमें आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो लेवल है वो नॉर्मल नहीं आ जाता। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल नॉर्मल पे आएगा तो आपका ये ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल पे आ जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ से एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आपको नेक्स्ट पेज पे टेबल में मिलेगा डायग्राम के नीचे, जिसकी हेडिंग जो है वो है कुछ कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायर्ड एयर, कि वो जो आप एयर को बॉडी में लेके जा रहे हैं और उसके अलावा जब बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उन एयर में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसके अलावा ये एक MCQ भी है। शॉर्ट क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, गिव अ कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। ओके, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो एज इट इज बोर्ड में आया हुआ है। इसके अलावा इसमें जो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पढ़ने जा रहे हैं ये आपके MCQs भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जब आप एयर को बॉडी में लेके जाते हैं तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो 21% मौजूद है, लेकिन जब आप उसको बॉडी में लेके जाते हैं और उसके बाद जब आप उसे बॉडी से बाहर निकालेंगे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल 21% से 16% रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी जो है उसने कम से कम 5% के करीब जो है वो ऑक्सीजन उस एयर में से एब्जॉर्ब कर ली है और उसने अपनी बॉडी सेल्स को प्रोवाइड कर दी। और इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लेवल की बात करें तो एयर के अंदर जब आप एयर बॉडी में लेके जाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो लेवल है वो 0.04% होगा, लेकिन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो एयर आप बाहर निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो लेवल है वो 4% हो चुका होता है। इट्स मीन कि तकरीबन 100% जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपकी बॉडी से एयर में एडअप हो गई है। और इसके अलावा हमारे पास जो एयर में बेसिक और बड़ी क्वांटिटी में कंपोनेंट है एयर का वो नाइट्रोजन है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन इट इज प्रेजेंट इन 78-79% और जब आप उसे बाहर निकालते हैं एयर को एक्सहेलेशन के वक्त तो ये 79% ही रहेगी। इट्स मीन कि आप इसमें कोई भी वैल्यू इसकी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है? तो नाइट्रोजन जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी चीजें आ जाती हैं जैसे कि वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर में वेरी करेंगे, वेरी मतलब जैसे अगर तो बारिश हुई है हवा में नमी ज्यादा है वाटर वेपर्स ज्यादा है, या सर्दियों में जब फॉग है तो उसमें वाटर वेपर्स ज्यादा है। इसी तरह अगर आप समर की बात करें, ठीक है, ड्राई सीजन की, तो उसमें क्या होगा कि एक हॉट डे में जो हवा है वो बिल्कुल ड्राई है, उसमें वाटर वेपर्स है नहीं, लेकिन जब आप एयर को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो इट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि वो आपकी बॉडी से मैक्सिमम जो है वो एयर
वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी बॉडी से एयर बाहर निकलेगी तो उसमें वाटर वेपर जो है वो मैक्सिमम होंगे। इसके अलावा अगर हम डस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो वो भी वैरी करती है। वैरी मतलब कि अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो डेफिनेटली डस्ट नहीं होगी, अगर आप कहीं रोड पे हैं या कहीं बाहर हैं और हवा में डस्ट मौजूद है तो डेफिनेटली जब आप सांस लेंगे तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। लेकिन जब आप बॉडी से बाहर निकालेंगे हवा को तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। अब इसकी वजह क्या है, आपने पहले आपने सेकंड लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि जो म्यूकस होता है और जो हेयर्स होते हैं जो ट्रेकिया और नेजल कैविटी में मौजूद है ये आपकी एयर को फिल्टर कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल से भी और इसके साथ साथ जर्म से भी। तो इसलिए जब आप एयर को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। और फाइनली हमारे पास इसमें टेम्परेचर की बात करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो भी वैरी करता है। जैसे अगर आप गर्मी है बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है तो डेफिनेटली उस हवा का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। और अगर आप सर्दी में देख लें किसी ऐसी जगह मूव करते हैं जहां पर सर्दी है या टेम्परेचर कम है तो उस हवा का टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जब आप एयर को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के इक्वल होगा, ठीक है। जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा वही एयर की टेम्परेचर होगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो म्यूकस है वो आपकी बॉडी के मुताबिक एयर के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन जो आप सांस लेंगे तो म्यूकस नेजल कैविटी और ट्रेकिया के अंदर मौजूद आपकी एयर जो होगी उसके टेम्परेचर को आपकी बॉडी के इक्वल करेगा। इसीलिए जब आप बॉडी से बाहर निकालते हैं एयर को तो उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के इक्वल होता है। ये जो टेबल है ये एक इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जो बोर्ड में भी पूछे गए हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है कोई डिफिकल्टी पेश आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे इजाजत दें,